जय हिंद माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप आशा करते हैं स्वस्थ होंगे स्वास्थ्य को मेंटेन रखिए आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री यूनिट वन चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट जी हाँ आज हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बातें इस चैप्टर में करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं पिछले क्लास में जो आप स्टडी कर किए हैं उसे ब्रीफ में एक बार रिवाइज कर लेते हैं आप क्लास नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हैं मैटर व्हाट इज मैटर और मैटर के कितने फिजिकल स्टेट होते हैं तो मैटर क्या है एनी थिंग विचाई स्पेस एंड हैज़ मास कॉल्ड मैटर और मैटर के फिजिकल स्टेट कितने हैं मेनली है तीन सॉलिड लिक्विड गैस इसके अलावा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जिसे शॉर्ट में बी बोलते हैं और फिफ्थ स्टेट है प्लाज्मा जिसका स्टडी आप कर चुके हैं चलिए हम लोग एक विशेष स्टेट की बात करेंगे यहाँ पर सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट में सॉलिड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सॉलिड को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है उसको स्टडी हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं तो आइए कुछ जल्दी से इसका करेक्ट्रिस्टिक्स पढ़ लेते हैं आप पहले से भी जानते हैं फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो सॉलिड सॉलिड क्यों होता है इसका पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सॉलिड सॉलिड क्यों होता है तो आपको पता है कि सॉलिड में जो कॉन्स्टिटुंट पार्टिकल होते हैं एक वर्ड आपको मैं बता दूँ कॉन्स्टिटूंट पार्टिकल का क्या मतलब रहेगा कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल इसका मतलब हम लोग क्या क्या ले सकते हैं एटम हो सकता है वो कॉन्सिचुएंट मालिक्यूल हो सकता है आपका कॉन्सिचुएंट्स और आयन हो सकता है यानी एटम भी हो सकते हैं कॉन्सिच्युवेंट में मालिक्यूल भी और आयन भी ठीक है तो ये कॉन्सिस्टुंट पार्टिकल आपके किसी सॉलिड के होंगे तो सॉलिड सॉलिड का होने का कारण क्या है कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो इंटर मालिकुलर स्पेस क्या होगा बहुत ही कम तो लेस इंटरमालिकुलर स्पेस या फ्यूम इंटर मालिकुलर स्पेस इसलिए वो सॉलिड होते हैं तो और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सॉलिड पॉजेज डिफिनिट सेप एंड वैल्यूम नेक्स्ट सॉलिड पॉजेज रिजिडिटी मीन्स वो अपना सेप और वैल्यूम क्या करते हैं फिक्स बनाए रखते हैं अगला है सॉलिड हैव हाई डेंसिटी तो ये आप सबको पता है कि यदि इसको पिघलाना चाहेंगे किसी सॉलिड को तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा नेक्स्ट है सॉलिड और इनकम्प्रेसिबल यानी इनकम्प्रेसिबल यानी इसको गैस की तरह उसको हम कंप्रेस प्रेशराइज़ करके उसको हम दबा नहीं सकते हैं. तो ये दोनों रेजिडिटी और इनकम्प्रेसिबल मिला जुला वर्ड है सिनोनिम्स जैसा लगता है यानी दोनों का मतलब क्या है रेजिडिटी का मतलब अपना सेप रिटेन रखना और इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसे हम दबाया नहीं जा सके यानी इसका मतलब ये है तो आपको ये पहले से भी पता है यहाँ भी आप एक बार देख लीजिए अब सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आप जो भी पेन बुक्स टेबल जिस पर बैठे हैं चौक जिससे अब हम लोग चौक से बोर्ड पर लिखते हैं आयरन सिल्वर गोल्ड आयर एलुमुनियम इस सब क्या है सॉलिड के एग्जाम्पल हैं वेरी गुड तो अब सॉलिड को हम सेंटेंस में डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे ए सॉलिड इज डिफाइन एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेज रिजिडिटी एंड हैंस पॉजेज ए डिफिनिट सेप एंड वेल्यूम या उसको उल्टा कर सकते हैं कि दैट दैट मैटर विच पॉजेज डिफिनिट सेप एंड वेलूम हैस पॉजेज रिजिडिटी तो इसके मेन करेक्टर ये हो गए कि सॉलिड इसे कहते हैं अब सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम पढ़ना चाहें तो इसको कितने क्लास में डिवाइड किया गया है और क्यों डिवाइड किया गया यानी किस आधार पर किया गया है वाट इज द बेसिस टू क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड तो जो हम अभी कॉन्स्टिचुएंट की बात किए हैं कि कॉन्स्टिचुएंट क्या हो सकते हैं एटम हो सकते हैं मालिक्यूल हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं अब ये कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल कैसे अरेंज हैं यानी अरेंजमेंट के आधार पर इनका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो क्या है इस आधार पर क्लासिफिकेशन? तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल इन सॉलिड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फर सॉलिड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फर सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक भी जानेंगे और दोनों में एक साथ डिफरेंस भी समझ लेंगे तो एक तीर दो निशाना के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम अलग अलग स्टडी करेंगे भी और एक डिफरेंस भी देखेंगे तो मैंने डिफरेंस लिखा है और आपको मैं उसका करैक्टरिस्टिक भी बता दे जाऊँगा तो आइए पहला कास्ट पॉइंट्स क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए उसे देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे आप कहेंगे सॉलिड देखिए दो दोनों है सॉलिड क्या है दोनों ही है लेकिन वो एक क्या है क्रिस्टलाइन है एक क्या है एमॉर्फस है तो इसका किस बेस पर डिवीज़न दिव, किया गया है तो मैंने बोला कि कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जब इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी किया गया तो पता चला कि जो उसके कॉन्स्टिचुएंट पार्टिकल हैं मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली यानी सिंबल से दिखाया है कि मान लीजिए ये आयंस हैं सपोज दैट एन है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यानी पूरे सॉलिड में ये क्या है पूरा सॉलिड है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल वेल ऑर्डर में अरेंज है कैसे अरेंज है वेल well ऑर्डर में इसको बुक के लैंग्वेज में कहें तो रेगुलर फैशन में अरेंज है रेगुलर फैशन किस तरह से रेगुलर फैशन में अरेंज है इसी को मैंने क्या बोला यहाँ पर वेल well ऑर्डर तो जब कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल कैसे अरेंज हो वेल well ऑर्डर में हो उस सॉलिड को हम क्या नाम देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अब इसी उस अब सौल, दूसरा सॉलिड हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल कैसे हैं आप देखकर बताइए दोनों में से कौन वेल ऑर्डर में है फर्स्ट कि सेकेंड तो सेकेंड साइड वाला इस साइड वाला क्या है जो अरेंज कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल हैं अरेंज तो हैं लेकिन वो परफेक्ट ऑर्डर में नहीं है ऑर्डर में है लेकिन परफेक्ट ऑर्डर में नहीं है तो ये इनकम्प्लीट इनका ऑर्डर है तो इसको हम क्या इस तरह के सॉलिड को क्या नाम देंगे एम सॉलिड तो इसको हम यदि वर्ड में बोलें तो क्या बोलेंगे द कंसस्टेंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज इन वेल ऑर्डर ये इसी को हम क्या बोल सकते हैं रेगुलर फैशन या वेल परफेक्ट ऑर्डर नॉट ध्यान रखिए नॉट अरेंज इन परफेक्ट ऑर्डर आर वेल ऑर्डर कंटेनिंग शॉर्ट रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली यहाँ पे एक वर्ड और जुड़ गया है कि कंटेनिंग शॉर्ट रेंज एज एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर ये दोनों का मतलब भी हम समझेंगे अब ये देखिए पूरा सॉलिड यदि में छोटा टुकड़ा लिया हो तो जो भी अरेंजमेंट इस छोटे से एरिया में है वही वैसा ही अरेंजमेंट पूरे सॉलिड में होगा यानी शॉर्ट रेंज का मतलब थोड़ी जगह में भी वैसा ही अरेंजमेंट जैसे पूरे बल्क बल्क में है यानी पूरे जगह पूरे सॉलिड में वैसा ही अरेंजमेंट होगा जैसे किसी पर्टिकुलर एक स्मॉल एरिया में जबकि यहाँ पर केवल क्या है शॉर्ट रेंज ऑर्डर है यानी इनका ऑर्डर भी मिलता है लेकिन वो ऑर्डर केवल थोड़े एरिया स्पेसिफिक एरिया में मिलेगा किसी शॉर्ट एरिया के लिए वो अरेंजमेंट इनका सही होता है लेकिन पूरे बल्क में देखेंगे तो ये इनका ऑर्डर फॉलो नहीं होता तो मेरा मतलब यही है कि जब कॉन्स्टिटुएंट पार्टिकल वेड वेल ऑर्डर में होंगे तो उसको आप क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे और इनकम्प्लीट ऑर्डर में होंगे ऑर्डर है होगा लेकिन परफेक्ट नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसको डिफरेंस पढ़ते हैं दे शो एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक करेक्ट्रिस्टिक प्रॉपर्टीज है कि ये एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं एन प्रॉपर्टी ये बहुत ही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है क्या है ये चीज़ इसको समझते हैं देखिए एन एसोट्रॉपिक का मतलब वर्ड का मीनिंग है चेंज इन प्रॉपर्टीज़ बाय चेंजिंग डायरेक्शन यानी डायरेक्शन बदलने पर उस सबस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा यदि आप डायरेक्शन बदलेंगे तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी तो उसको हम टर्म देते हैं एनएस्टोट्रॉपिक तो सॉलिड में क्या है यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है एनएसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन हम समझ सकते हैं देखिए यदि आप लेफ्ट टू राइट यानी आप लेफ्ट टू राइट जाइए तो आपको कंटिन्यूस मिलेगा क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यदि ये आयन है तो हम प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस करेंगे यदि कोई एटम्स हैं भी तो एक फैशन मिलेगा एक रेगुलर ऑर्डर मिलेगा तो इधर लेफ्ट टू राइट हम लोग को क्या मिला इस साइड में क्या मिला प्लस माइनस रेगुलर वे में मिला यदि हम डायगोनली जाएं यदि हमने इधर किधर गए हैं इस साइड में लेफ्ट टू राइट यदि हम डायगोनली जाएं तो क्या देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा देखिए हम इधर से इधर चल रहे हैं डायगोनली क्या इधर मिलेगा देखिए इस वे में प्लस 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 यानी क्या मिला इधर से जाने पर हम लोग को क्या मिला केवल प्लस प्लस मिला यदि आप इधर से इस साइड में जाइए देखिए यहां से इधर थोड़ा सा इधर से लेते हुए तो आपको क्या मिला ऐसे माइनस 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 यानी आपको डायरेक्शन बदल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है देखिए इधर क्या मिल रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस इधर से इस डायगोनल से गए हैं तो आपको क्या मिला केवल प्लस 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 और आप यदि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस 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 तो यानी माइनस माइनस तो यही डायरेक्शन बदलने पर क्या मिल रहा है कॉन्स्टिचुएंट का अरेंजमेंट या ऑर्डर क्या मिला अलग अलग मिल रहा है तो जब अलग अलग इसका हमें रिपीटिशन uh, मिल रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी डिफरेंट होगी इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं एन एसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ जबकि यहाँ पर क्या है आप लेफ़्ट टू राइट जाइए तो आपको क्या मिला इरेगुलर अरेंजमेंट इरेगुलर अरेंजमेंट इधर से डायगोनली जाइए आपको इरेगुलर अरेंजमेंट और इस्ट डायरेक्शन में जाइए इरेगुलर यानी कहीं कोई रेगुलर आपको नहीं है कि केवल प्लस प्लस मिला मतलब जैसे लेफ़्ट टू राइट आप गए हैं तो क्या प्लस माइनस प्लस का रेगुलर अरेंजमेंट मिला जी नहीं देखिए ये माइनस भी मिल गया प्लस प्लस भी मिल गया इधर गए केवल प्लस प्लस मिल गया माइनस भी मिल गया यानी ये फैशन क्या है रेगुलर नहीं है या वेल ऑर्डर में नहीं है तो आप जिधर भी जाएंगे एक ही चीज़ मिलेगा क्या एक ही चीज़ माइनस प्लस और ऐसे गए तब भी माइनस प्लस माइनस तो ये सभी डायरेक्शन में क्या मिल रहा है आपको एक जैसा यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज मिल रहा है तो आप समझ गए कि एमॉर्फस की क्या प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज हो? होती है आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज आइसो मतलब सेम ठीक है ठीक है तो एन आइसो मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज और आइसो मतलब सेम प्रॉपर्टीज मतलब डायरेक्शन बदलने पर प्रॉपर्टीज नहीं बदलता तो आइसो डायरेक्शन बदलने पर प्रॉपर्टीज बदल जाए तो एन आईसो तो एन आइसो ट्रॉपिक प्रॉपर्टीज किसका है क्रिस्टलाइन का क्यों है क्योंकि वेल ऑर्डर में है परफेक्ट वो ऑर्डर है उसका नेक्स्ट क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज क्या विशेषता है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब यदि प्योर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट यदि स्टडी करना चाहें तो आप क्या पाएंगे आप पाएंगे कि मान लीजिए इधर आप क्या कर रहे हैं इधर आपका टम्परेचर uh, है इधर आपका आप इधर टम्परेचर है इधर क्या है मेल्टिंग पॉइंट है तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं किसी प्योर सब्सटेंस का तो ये आपको क्या होगा जो उसका मेल्टिंग रहेगा उसी पर पिघल जाएगा तो ये जो ग्राफ मिलेगा क्या मिलेगा शार्प मिलेगा जबकि एमआरफ़स में क्या होगा कि इधर आप मेल्टिंग पॉइंट ले लीजिए इधर आप ट्परेचर लेंगे तो ये क्या होगा एक टम्परेचर रेंज इसका मिलेगा ऐसे यानी ग्राफ कैसे मिलेगा एक साथ में नहीं मिलेगा बेंड मिलेगा यानी कर्व मिलेगा इसका एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं कि आप यदि चीनी को या नमक को यदि प्योर फॉर्म में पिघलाएंगे, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा जैसे चीनी का है मान लीजिए सपोज दैट मैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यू दे रहा हूँ चार सौ चौरासी है तो वो चार सौ चौरासी पर ही पिघलेगा और यदि आप प्लास्टिक को पिघलाना चाह रहे हैं तब तो प्लास्टिक का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे पहले ही वो क्या होने लगेगा धीरे 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 मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा यानी उसका मान लीजिए टेम्परेचर एक 150 है तो वो क्या होगा एक सौ पर क्या होने लगेगा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और एक सौ पचास जाते थे पिघल जाएगा तो क्या हो रहा ये है ये ये टेम्परेचर रेंज है यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है क्रिस्टलाइन का शार्प होता है जबकि इसका क्या होता है ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है किसका एम का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है दे अंडर गो ए क्लीन क्लिविज यानी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप शार्प टूल से काट दें तो इसके जो कटे हुए भाग रहेंगे उसके सरफेस क्या होंगे स्मूथ या क्लीन होंगे जैसे आप किसी मार्बल को शार्प टूल से काटते हैं तो उसके जो कटे इस पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं स्मूथ होंगे अब यहाँ पर एमआरफस की क्या प्रॉपर्टीज होगी कि दे अंडर गो रफ क्लीवेज यानी जो शार्प रूल से यदि आप काट रहे हैं तो इसके जो कटे सरफेस क्या होंगे इस स्मूथ नहीं होंगे रफ होंगे खुरदरे होंगे अच्छा ये कैसे पता चलेगा खुरदरे हैं इंटरनल स्टडी किया गया तब ऐसे बाहर से आप हाथ से टच करेंगे तो क्लियर नहीं होगा एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं आप पेंसिल को शार्पनर से जब क्या करते हैं इसको रब करते हैं मतलब शार्प करते हैं तो आपका जो इसमें जो लकड़ी है लकड़ी आपका क्या है लकड़ी भी कटता है इसके साथ साथ जो ग्रेफाइट जो इसमें बीच में है वो भी कटता है तो ये देखिए ये जो पट कटा हुआ पार्ट है सात टूल्स आप सार्पनर से कर रहे हैं तो ये क्या है एमआरफस और जो ये चिकना वाला पार्ट है ग्रेफाइट वो भी कट रहा है वो भी देखिए उसका स्मूथ ऐसे चेक करिए कौन रफ है कौन स्मूथ है तो ग्रेफाइट क्या है स्मूथ है और उड क्या है इसके चारों तरफ जो लगा हुआ है वो रफ है तो ये उड क्या हो गया है मार्फस और जो ग्रेफाइट हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लियर है आइए और नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट में है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं ट्रू सॉलिड होते हैं जबकि मार्फस क्या होते हैं सीडो सॉलिड होते हैं इसका क्या मतलब है ट्रू सॉलिड का मत यहाँ कहने का मतलब है कि इसमें कोई फ्लूडिटी टेंडेंसी नहीं होती यानी फ्लो नहीं करता जबकि एमार्फक्स में क्या होते हैं एक स्लो रेट से क्या करता है मूव कर सकता है यानी फ्लो कर सकता है जैसे एग्जाम्पल लें, ओल्ड बिल्डिंग में यानी पुराने राजा महाराजाओं के दरवाजे खिड़कियों में जो कांच के या ग्लास के जो विंडो में लगे हैं ग्लास वो उनके बॉटम जनरली मोटे हो जाते हैं उसके अपर साइड से क्यों हो जाते हैं क्योंकि जो ग्लास है वो एमार्फस है और एमार्फस के होने के कारण एमार्फस है और उसमें थोड़ा सा फ्लूडिटी होने के कारण वो धीरे धीरे स्लो रेट से ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है मूव करता है फ्लो करता है इसके कारण से बॉटम उसका क्या हो जाता है ग्लास का मोटा हो जाता है और अपर साइड पतला हो जाता है जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा टेंडेंसी नहीं होता तो जब इसमें फ्लो नहीं होता इसको हम बोलते हैं कि ट्रू सॉलिड अब ये क्या है इसमें फ्लूडिटी है ग्लास का पैन मोटा हो गया नीचे क्यों क्योंकि उसमें लिक्विड जैसा फ्लो हो रहा है इसलिए उसको हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड और या स्यूडो सॉलिड की जगह जगह पर हम उसको क्या कर सकते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड यानी लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है तो इस बात को समझ रहे होंगे आप नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव डू नॉट हैव स्मूथ कूलिंग कर्व यदि आप लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व क्या होगा स्मूथ नहीं होगा पहले ए से बी ए क्या है ए और बी क्या है आपका लिक्विड बी से बी जब टेम्परेचर और कम होगा ये टेम्परेचर हाई इस साइड में आपके लिए टेम्परेचर टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो लिक्विड किस में पहले बदलेगा सॉलिड में तो ये बी से क्या है? स्टार्ट हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन और सी तक पहुँचने पर सॉलिडिफिकेशन पूरा होकर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा यानी सी डी जो कर्व है क्या है सॉलिड का है तो ये क्या मिल रहा देखिए ये ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे जबकि एमार्फस में क्या है कि जो कूलिंग कर्व है क्या है स्मूथ है एकदम धीरे 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 घट धीर रहा है तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं नेक्स्ट है कि अब हम कैसे पहचाने सर कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ये एमारफस है तो आपको बस एक चीज़ याद रखिए सभी एलिमेंट और कंपाउंड कंपाउंड और एलिमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसके अलावा आप एमारफस के में आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो पॉलीमर होते हैं चाहे वो रबर हो प्लास्टिक हो टायर हो ग्लास हो सॉरी ग्लास तो पॉलीमर नहीं है ये सब क्या होते हैं एमारफस होते हैं इसके अलावा ऊड ग्लास क्वार्टज ग्लास ये सब क्या है एमार्फस हैं एक एक और भी एग्जाम्पल आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जैसे कि आपके एन में क्वार्टज और क्वार्टज ग्लास दो एग्ज़ाम्पल दिया है एक को कह रहा है क्रिस्टलाइन एक को क्वार्टज ग्लास को एमारफस क्यों क्योंकि इसमें आपको डायग्राम में दिखाया कि क्रिस्टलाइन जो क्वार्टज है उसके अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूंट के वेल ऑर्डर में है जबकि क्वार्टज ग्लास के इरेगुलर फैशन में है एक एग्जांपल और है कैल्शियम कार्बोनेट और ये चॉक फार का चॉक फार्म यानी कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे लिखा है और ब्रिकेट में चौक लिखा हो तो ये क्या है मार्फस और ये कैल्शियम कार्बोनेट यदि मार्बल लिखा है तो ये क्या है क्रिस्टलाइन क्योंकि इसका अरेंजमेंट वेल ऑर्डर में है इसका अरेंजमेंट इनकम्प्लीट ऑर्डर है तो कैल्शियम कार्बोनेट दोनों फॉर्म में पाया जा रहा है चाक आपका क्या है एमआरफस और संगमरमर यानी मार्बल क्या है आपका क्रिस्टलाइन इसके बारे में हम और डिटेल पढ़ेंगे यानी कि कोई क्रिस्टलाइन को एम में बदला जा सकता है क्या तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला इसके बारे में और देखेंगे और इसके सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप भी पढ़ेंगे तो वीडियो कैसा लगा आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जय हिंद जय भारत